परसों तक मुझे 25,000 मिल जाने चाहिए, वरना मूछ मुंडवा के गधे पे बिठा दूंगा। बोलता है मेरी मूछे मुंडवा के गधे पर बिठा के पूरे गांव में घुमाएगा। जल्द निकाल मूछ मेरी। आप मुझे याद नहीं। अबे निकाल। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है ट्विटर एम्प्लॉइज के साथ। अभी तक 20 एम्प्लॉइज को सिर्फ इसलिए निकाला गया है बिकॉज दे वर क्रिटिसाइजिंग इलॉन मस्क फॉर हिज एक्शंस। तो भाई साहब अभी क्रिटिसिज्म के बिल्कुल मूड में नहीं है। बस एक मेल आया दैट यू हैव वायलेटेड कंपनी पॉलिसी एंड सीधा बाहर। एंड एक बंदे के साथ तो बहुत ही अजीब केस हुआ। सो इलॉन मस्क ने ट्वीट करा कि कुछ कंट्रीज में ट्विटर स्लो चलता है, एंड इसके जवाब में एक ट्विटर एम्प्लॉय ने ट्वीट करा दैट इलॉन मस्क इज रॉन्ग एंड ऐसा नहीं है। एंड इसी बात पे उस इंसान को फायर कर दिया गया। एंड अजीब बात यह है कि उस इंसान को यही नहीं पता था कि उसे फायर कर दिया जा चुका है। उसे अगले दिन ट्विटर पे जाके पता चला जब उसने इलॉन मस्क का ट्वीट पढ़ा। एंड इन टोटल आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायर कर दिया जा चुका है ऑलरेडी। एंड इतने मैसिव लेऑफ्स का रीजन है कॉस्ट कटिंग। इस टाइम पे ट्विटर $4 मिलियन पर डे के लॉस पे चल रहा है। तो ट्विटर के हालात इतने खराब कैसे हुए? देखो, ट्विटर कमाता है एड्स रन करके। इन 2021 ट्विटर जनरेटेड $5 बिलियन रेवेन्यू, जिसमें से 89% ऑफ रेवेन्यू आया एडवर्टीजमेंट से। बट पिछले कुछ टाइम से रिसेशन के डर से कंपनीज ने अपना एडवर्टीजमेंट बजट कम कर दिया है एंड ट्विटर पे एड्स पॉज कर दिए हैं। तो पहली चोट तो ट्विटर को यहाँ पे पड़ी। एंड फिर जब से ट्विटर डील की न्यूज आई है तब से इतनी अनसर्टेनिटी एंड केओस में कंपनीज डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक ऑन ट्विटर। एंड देन इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स, ऑडी, फोक्सवैगन, ओरियो, फाइजर, यूनाइटेड एयरलाइंस, इन्होंने ट्विटर एड्स बंद कर दिए फॉर द टाइम बीइंग। बात यह है कि इतने सारे मैसिव लेऑफ्स के बीच में ट्विटर का जो कंटेंट मॉडरेशन है वो अफेक्ट हुआ है। हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन 5 टाइम्स बढ़ चुका है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ये कंपनीज अपने एड्स नहीं रन करना चाहती बिकॉज ऑब्वियसली इट विल हार्म देयर रेपुटेशन। ट्विटर पे कॉस्ट कटिंग मस्क को उल्टा भारी ही पड़ गई है। बट ये जो कार मेकर्स हैं लाइक जनरल मोटर्स, ऑडी, फोक्सवैगन, इनके पास एक और रीजन है कि क्यों इनने अपना ट्विटर अकाउंट पॉज कर दिया है। देखो, अगर इलॉन मस्क के पास ट्विटर है देन उसके पास दूसरी तरफ टेस्ला भी है। तो इन कार मेकर्स को डर ये है कि ट्विटर को दिया हुआ डेटा अगर टेस्ला पहुंच जाता है देन इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। लेऑफ्स हो रहे हैं कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, ठीक है, समझ आता है। बट जिस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है विदाउट एनी नोटिस पीरियड, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टेप है। एंड यहीं पे ट्विटर की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैव अप्रोच्ड कोर्ट्स इन कैलिफोर्निया फॉर वायलेशन ऑफ देयर लेबर लॉ कि उन्हें सफिशिएंट नोटिस पीरियड नहीं मिला। एंड इस वजह से जो वहाँ के सिविल राइट्स ग्रुप्स हैं दे आर फोर्सिंग कंपनीज टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ट्विटर। तो ऐसे में कंपनीज ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स पे स्विच कर रही हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहाँ पे कंपैरेटिवली कंज्यूमर बेस भी ज़्यादा है तो रीच ज़्यादा मिलेगी। सो दिस इज़ अ हाई प्रेशर सिचुएशन फॉर मस्क बिकॉज एक बार ये कंपनीज दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे चली गई देन दे माइट नॉट वांट टू कम बैक टू ट्विटर। अब एक तरफ रेवेन्यू ऑलमोस्ट आधा गिर चुका है एंड दूसरी तरफ एक्सपेंसेस एक्चुअली में बढ़ चुके हैं। ट्विटर खरीदने के चक्कर में ट्विटर पे लोन है $13 बिलियन का एंड एनुअल इंटरेस्ट है $1 बिलियन। तो ऐसे में इलॉन मस्क कैसे हैंडल करता है ट्विटर सिचुएशन को, वो बहुत ही डाइसी है। वी ऑल नो दैट इलॉन मस्क इज अ प्रूवन बिजनेसमैन एंड ही हैज डन अ लॉट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। तो ऐसे में ट्विटर का क्या होगा वो तो आज बताना बहुत मुश्किल है। बट एक चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे एक नई वीडियो आती है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।